बुलेटिन एवं संपूर्ण खबर को जीवा पूर्व आसंत नजर पकाने वर्तमान किसी प्रमुख खबर उपरे आज खबर जहां आम नजर अच्छी वर्तमान पंचक व्रत आरंभ हो श्रीमंदिर स्वतंत्र नीतिकांति पांच दिन में पांचटी भिन्न भिन्न बेश दर्शन देवे महाप्रभु आज भक्त लक्ष्मीनारायण बेश भक्त दर्शन देवे श्रीजीव और द्वादशी बांकचूड़ा बेश त्रयोदशी त्रिविक्रम बेश चतुर्दशी लक्ष्मी नृसिंह बेश दर्शन देवे महाबाहू श्रृंखलित दर्शन पर मरीचकोट छक ब्यारिकेड व्यवस्था कर पंचक जेहेतु गहली बहुत अधिक रही पुरी में 30 प्लाटून फोर्स मुतयन होती महाप्रभु दुर्लभ बेशगुड़ दर्शन करने बहु संख्यार भक्तों सुअ छुटी श्रीक्षेत्र पुरी में अन्यपटे आज धवलेश्वर भर्चुआल दर्शन मुख्य प्रवेश पथ पाइकरापुर छक लगे एलईडी झूला पोल निकट में सबु दोकान को बंद करवल पूजकों मध्यम मिल गज भोग मुख्य रास्ता कड़े खोल दोकान और परदारे धवलेश्वर बड़ सिंहार बेश दर्शन करार व्यवस्था करेतु झूला पोल असुरक्षित नहीं कि जिला प्रशासन कही सारी 144 धारा झूला पोल लागू नजर रखी वर्तमान धवलेश्वर किपर सुरखुरी दर्शन हो पार्ता विशेष व्यवस्था करलईडी स्क्रीन व्यवस्था करहाप्रभु बेशर दर्शन करें भक्त सहित किपर नीति श्रृंखलित विशेष भाव में फोकस कर प्रशासन तरफ आज टॉप खबर भितर दिल्ली में निश्वास नहीं होनी दिल्ली में प्रदूषित होउछि वायु एवं दिल्ली में प्रदूषण संख्या एत अधिक है जे एक्यूआई 426 वर्तमान रही दिल्ली दिल्ली सरकार को एनसीपीसीआर को अनुरोध स्थिति सुधुरीबा पर्यंत समस्त स्कूल बंद करने को निर्देश देवाई पिलाने बेसी अधिक हैरान होंती एवं वयस्क लोक मानकु बेसी अधिक समस्या रे पड़ती प्रदूषण जो प्रदूषण हेतु दिल्ली वायुर मान अति खराब स्तर को आसी जा 401-500 भितर रहिले एक्यूआई अति सांघातिक बोली धरा जाय था एवं वर्तमान जो स्थिति अच्छी दिल्ली नजर रखी स्कूल गुड़ी को वर्तमान बंद करने निर्देश देवाई वर्तमान सूचना मिली नजर रखी पंजाब रू किपर नड़ा पोड़ी को मध्य कम करता विशेष ध्यान दिया कथा प्रशासन कहुछि अंतर्जातीय खबर को जदि आसीबा ऋषि सुनक यूटर्न इजिप्ट जलवायु सम्मेलन में जोग देबे ऋषि सुनक एवं पूर्वरु जलवायु सम्मेलन में से जोग देबे नाही बोली कहिथिले एबे ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक निज निष्पत्ति परिवर्तन करिछन्ति गोटे सुरक्षित एवं स्थायी भविष्यत पई सम्मेलन में जोग देबे बोली मत रखिछन्ति जलवायु परिवर्तन रो निराकरण न कले दीर्घस्थायी उन्नति संभव नुहे से निज मत परिवर्तन करिछन्ति ऋषि सुनक एवं वर्तमान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में जोग देबे ब्रिटेन प्रधानमंत्री खेल खबर उपर जदि टिके नजर पकाइबा जहां उपर हमर नजर अछि आज कलिंग स्टेडियम रे पूर्ण भारत न्यूजीलैंड मुकाबला चलित एफआईएच प्रो लीग मैच रे आज भारत न्यूजीलैंड मुकाबला अछि एवं रिवर्स मुकाबला रे प्रथम मैच प्रदर्शन को दोहराइबा को पड़िबो भारत को प्रति क्वार्टर रे आक्रमण करबा को पड़िबो भारत निजर दबदबा निजर प्रतिपत्ति जाहिर करबा को पड़िबो एथर मैच रे एवं भारत न्यूजीलैंड परस्पर 43 मैच खेली भारत 23 टी जीति 15 टी रे हारी अवशिष्ट 5 टी मुकाबला अमीमांसित अछि एवं आज जेहेतु मैच अछि प्रो लीग मैच अछि ता उपरे वर्तमान समस्त दर्शकों नजर अछि एवं आसंत देखिबा कौन रही आज पानीपाग अपडेट एवं किभली रहिबो आज पाग राज्य दिन तमाम मेघुआ पाग रहिबो वर्षा एवं मेघुआ पाग जोगु राज्य में ठंडा भी कमी जाइछि आज भी राज्य किछि अंचल रे पाग मेघुआ रहिबा सह मालकानगिरी कोरापुट आदि जिले में हल्का वर्षा हो पारे बोली आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु कहा जाइछि आसंता 4-5 दिन मध्य राज्य सर्वनिम्न एवं सर्वोच्च तापमात्रा में विशेष परिवर्तन संभावना नहीं अन्यपटे रातिर सर्वनिम्न तापमात्रा वृद्धि पाई 16 डिग्री उपर अछि राज्य सर्वनिम्न तापमात्रा सुंदरगढ़ और दारिंगीबाड़े 16.5 डिग्री रेकर्ड
आसंता काली भुवनेश्वर और यार आखपाख अंचल पाग आंशिक मेघुआ रहिब। दिनर सर्वोच्च तापमात्रा 31 डिग्री और सर्वनिम्न तापमात्रा 22 डिग्री मध्य रहिब। सुंदरगढ़ में सर्वनिम्न तापमात्रा वर्तमान 16.5 डिग्री अच्छी और यह नजर रखी जिते कीत टी कम भुवनेश्वर और आखपाख अंचल पाग मेघुआ रहिब। किसी स्थान में झिपिझिपि वर्षा नहीं कि पूर्वानुमान करणिपाग विभाग तरफ जेहेतु शीतर परिमाण कमुची गोटेपटे आज कुहुड़ी किसी स्थान में परिलक्षित होई पांच दिन भितर तापमात्रा परिवर्तन संभावना रही पानीपाग विभाग तरफ। भुवनेश्वर और आखपाख अंचल पाग मेघुआ रहिब। दिनर सर्वोच्च तापमात्रा जब देखा 31 डिग्री और सर्वनिम्न तापमात्रा 22 डिग्री मध्य रहिब। पूर्वायु प्रभाव में दक्षिण ओडिशा रे वर्षा लागी रही। कोरापुट गजपति कंधमाल मालकानगिरी गंजाम रायगड़ा रे झिपिझिपि वर्षा लागी रही। सेपटे वायुमंडल उपरी भाग में पश्चिम वायु प्रवाह सह जड़ित निम्न चापरेखा प्रभाव में उपकूल ओडिशा समेत पार्श्ववर्ती जिलागुड़िक मेघुआ आकाश रही फल तापमात्रा विशेष ह्रास पाइबना शीत कम अनुभूत हो स्थित आहरी दुई दिन लागी रहिब। सुंदरगढ़ में सर्वनिम्न तापमात्रा 16.5 डिग्री रेकर्ड होई। किसी स्थान में जेहेतु वर्षा रही दक्षिण ओडिशार किसी स्थान में वर्षा रही वर्तमान पानीपाग को लेकिन कौन अधिक अपडेट आसा सड़क आलोचना करने सीनियर करेस्पंडेंट निरुपमा बेहरा अच्छा आम सहित। निरुपमा वर्तमान पाग को नहीं कौन आकलन रही विभाग देखूँ जो कथा पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर स्पष्ट वर्तमान शीत एतटा अनुभूत होबना ही एवं जो कथा कहुच पूर्वा वायुर प्रभाव बा पूर्वा वायु राज्य को प्रवेश करुथवारु तापमात्रा वृद्धि पाउची एवं तार प्रभाव में शीत होबना ही एवं दक्षिण ओडिशार किछि जिल्ला रे मध्ये यार प्रभाव में वर्षा लागी रहिबो। विशेषकर आम जब देखा कोरापुट रायगड़ा मालकानगिरी नवरंगपुर कंधमाल गजपति भली किछि जिल्ला गुड़ी करे वर्षा जारी रही किछि किछि स्थान में अधिक वर्षा मध्ये स्वल्पर मध्यम धरणर वर्षा लागी रही कारण बंगोपसगर पूर्वर जो जलय बाष्पूर्ण उष्म जलय बाष्पूर्ण वायु राज्य को प्रवेश कर प्रभाव में दक्षिण ओडिशा रे वर्षा लागी रही जदिओ अन्य समस्त स्थान गुड़िक सुखिला रही राज्यर किंतु तापमात्रा सेतटा ह्रास पाइपना कारण आम जदि गत देखा स्थित देखा गत काली उपकूल ओडिशा रे गोटे पटे पूर्वा वायु अन्य पटे निम्न चापरेखार प्रभाव में कोहला पाग देखा मिलता उपकूल ओडिशा रे जदिओ आज सामान्य पाग खराटिया कर खरा रही किंतु तापमात्रा विशेष ह्रास पाउना सेपटे दक्षिण ओडिशा रे वर्षा सांग को हालुका कुहुड़ी देखा मिलू जार प्रभाव में आम कह शीत एत मात्रा अनुभूत होना आसंता दुई दिन पर्यंत दक्षिण ओडिशा रे एबली स्थिति जारी रहिबो। 48 घंटा पर्यंत पूर्वा वायु प्रभाव में दक्षिण ओडिशा रे किछि किछि जिल्ला रे वर्षा लागि रहिबो बोली जहां पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना मिली एवं से पूर्वा वायु प्रभाव में अन्य स्थान गुड़िक कोहला पाग रहिबो किंतु विशेषकर दिनर तापमात्रा 30 रु 32 डिग्री पर्यंत रहिबा थिबा बेले रातिर तापमात्रा 20 रु 22 डिग्री पर्यंत रहिबो एणु स्वाभाविक ठारु अधिक तापमात्रा जेहेतु रहुची एतटा शीत अनुभूत हेबो नै बोली जहां वर्तमान सुधा शीत तो कमिबो बोली कोहा जाउची विभाग तरफ रु। अन्य पटे जे देखिबा टिके कुहुडीर प्रभाव आजिठु टिके अनुभूत हेलाणी एई कुहुडीर मात्रा कोन केमति रहिबो केउं सब अंचल रे अधिक घन कुहुडी देखाबार अछि सेमिति कि निर्दिष्ट भाव प्रेडिक्शन अच्छी कि विभाग देखो वर्तमान सुधा तो से भली कोनोसी सूचना नहीं जे क्यों क्यों स्थान अधिक कुहुड़ी हे हाँ किंतु आम जदि कही पार जो जलय बाष्प आसूची तार प्रभाव में दक्षिण ओडिशार किसी स्थान में ही आम कह घन कुहुड़ी देखा मिलू स्वल्पर मध्यम धरण कुहुड़ी देखा मिलू कारण अन्य कौन स्थान में कुहुड़ी प्रभाव एत ना जितेबाला शीत अधिक रुहे कुहुड़ी सका सका विलंबित राति देखा मिले तार देखा मिलना कारण गोटे पटे आम जदि कह वर्तमान वर्षा केउठिना केउठि लागी रहूची एवं वर्षार प्रभाव आगक बढ़ जहां पाणीपाग विशेषज्ञ माने आकलन करिसेंती नवंबर मास बा डिसेंबर प्रथम सप्ताह पर्यंत बंगोपसागर रे गोटिए परे गोटिए घूर्णीबलयर संभावना रहूची लघुचापर संभावना रहूची जदिओ तार प्रभाव सीधासळख ओडिशा रे पड़िबो नाही बा ओडिशा रे लघुचापर प्रभाव रे वर्षा हेबो नाही किंतु जेहेतु आमे कहिबा आंध्र उपकूल रे मध्ये वर्षा हबार संभावना अधिक रहूची गत 3 दिन हेबो आमे जदि देखिबा आंध्र तेलंगाना चेन्नई रे जेउ भली भाव रे वर्षा रहूची तार जो प्रभाव रे जलय बाष्प पूर्ण आसूची ओडिशा को जो जलय बाष्प आसूची तार प्रभाव रे वर्षा केउ
कौटी कौटी हो जलवाष्प जिते बड़े आसूरी तापमात्रा वृद्धि वृद्धि पाँच और तापमात्रा ह्रास पाइले शीत अनुभूत हुए तापमात्रा जो वृद्धि पाइबार लगुच दिन में खरा रोच रातिपम्रा स्वाभाविक ठार अधिक रोच स्थित नवेम्बर मस सारा लग रही पापाग विशेषज्ञ मैंने आकलन करते एणु नवेम्बर मसने चलित बर्ष कम शीत अनुभूत हो मझे मझे हालुका शीत जदि अनुभूत हो कि विशेष शीत पड़े ना स्पष्ट करणिपाग विशेषज्ञ मैंने डिसेंबर प्रथम सप्ताह भाई एक्टिविटीज बंगोपसगर में देखा मिले जार प्रभाव में राज्य में शीत बहुत कम रही डिसेंबर द्वितीय सप्ताह जहाँ आकलन करीत अधिक अनुभूत हो जो कथा क्या डिसेंबर दस पर पंद्रह तारीख शीत अधिक अनुभूत हो जानुरी मस जो मसे देढ़ मस रही से ही समय ही शीत किसीटा राज्य अनुभूत हो पाए कि नवेम्बर मसली शीत अनुभूत होना बर दिन में तापमात्रा अधिक रीस रु बतीस डिग्री पर्यटन रही खरा अनुभूत हो राति तापमात्रा स्वाभाविक ठार अनुभूत हो अंपटे जो जलवाष्प आसूरी बंगोपसगर उष्म जलवाष्प जलवाष्प प्रभाव में दिन में सामान्य गुड़गुड़ी अनुभूत हो गत देखा गुड़गुड़ी अनुभूत होता बेले आज स्थिति जारी रही जहां पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्ष जना धन्यवाद निरुपमा सविशेष आलोचना। दिल्ली में नहीं होनी निश्वास प्रदूषित होउछि वायु दिल्ली और आखपाख अंचल वायु प्रदूषण अति सांघातिक श्रेणी को आसी जाइछि। दिल्ली में वायुर मान सूचकांक आज 550 रे पहुंची सारी पड़ोसी राष्ट्र नड़ापाल धूआ और जानवाहन प्रदूषण जो दिल्ली में वायुर मान अति खराब स्तर को आसी जाइछि। वायुर मान जिते बड़े 401-500 मध्य रहे अति सांघातिक धरा जाए हेले आज ताहा टपी 550 रे पहुंची सारी एक प्रकार विष बलय रुचार दिल्लीर लोके विषाक्त वायु जो निश्वास नेबारे स्कूल पिलांक ठारु आरंभ करी वयस्कों पर्यंत समस्त क्षेत्र में समस्या देखा देउछि। स्थिति को देखी गौतम बुद्ध नगर जिले में आसंता 8 तारीख पर्यंत स्कूल को बंद कर प्रथम रु अष्टम श्रेणी पिलांक ऑनलाइन रे पाठ पढ़ा जाउछि। दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण भयावह बना हुआ है, वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा के हालात भी बदतर हैं। आप देख सकते हैं सुबह का वक्त है, किस तरीके से नोएडा शहर पर धुंध छाई हुई है, विजुअलिटी भी कम हो गई है। ये हाल पिछले 5-6 दिनों से बना हुआ है, यहाँ का AQI लगातार 400 के ऊपर बना हुआ। ऐसे में एहतियात के तौर पर आज से स्कूल बंद कर दिए गए हैं, कक्षा 8 तक के स्कूल 8 नवंबर तक बंद कर दिए गए हैं, इनमें कोई भी आउटडोर एक्टिविटी नहीं होगी। इसको लेकर जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं ताकि बच्चों को प्रदूषण से बचाया जा सके। वहीं ग्रैप फोर सिस्टम भी लागू कर दिया गया है, इसके वजह से दिल्ली और उसके आसपास इलाकों में BS6 वाहन के अलावा अन्य डीजल वाहन संचालित नहीं होंगे। प्रदूषण के बढ़ते स्तर के चलते लोगों के स्वास्थ्य पर संकट मंडरा रहा है। कैमरामैन संजीव के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 नोएडा। खोर्धा बलांगीर 57 नंबर जातीय राजपथर बाघमारी निकटे उल्टिला यात्रीवाही बस प्रबल कुहुड़ी कारण बस टी भारसाम्य हर बाघमारी पेट्रोल पंप निकटे रास्ताकड़ बिल भितर को उल्टी पड़ता जमापड़ आज भोर यह दुर्घटना घटी सूचना मिली। घटनास्थल में स्थानीय लोक बाघमारी पुलिस पहुंच उद्धार कर प्रबल कुहुड़ी कारण दुर्घटना घटी प्राथमिक तदंतर सूचना मिली। बस टी बलांगीर भुवनेश्वर अभिमुखे जाता बेले दुर्घटना घटी। दुर्घटन 12 जन यात्री मोटरे आहत होती 10 यात्री को खोर्धा जिला हॉस्पिटल में चिकित्सा करा जाउछि एवं 2 जन गुरुतर को भुवनेश्वर को स्थानांतर करा जाइछि। चट्टा बेले बोस्टा पलटी पड़ल उठिक देखला बेले बहुत केते जन पाखा बेके अपन नजर अपन कर कोन मोर मुंड मार इंजोर तीन जन तो सीरीयस भुवनेश्वर उधार कर बाकी समस्त भर्ती कर पखापाखी 20-25 जन आज आम ब्लू बेलून गाड़ी में सोनपुर भुवनेश्वर आसल आसला भितर बेगुनिया पाखापाखि कौटी गाड़ी टपरा उल्टी पड़ा आम स्लीपर में बसलु आम छुआ आम स्त्री तीन जन पिला पूरा तुम खसी पड़ल पीठ अंटा एम सब मड़ हो बहुत डेंजर हो पखापाखि मैंने तलटा अधा बस अधा खाली स्लीपर पूरा फुल।
बलांगीर भुवनेश्वर आसवा बेले एपरी दुर्घटना घटी और बस ओल्टी पड़ी प्रबल कुहुड़ी जो एमती दुर्घटनार शिकार होता बस टी कहा कि भोर भोर ये दुर्घटना घटी एने की अधिक आलोचना करवा संतोष बारिक अच्छे समस्त फोन लाइन में संतोष बर्तमान जो मान चिकित्सा जारी रही खोर्धार कौन केमती कंडीशन अच्छी कौन पर बारंबार से दुर्घटना घटू से नहीं कि तदंत किसी आरंभ हो बंदी तो देखो आज जितने बलांगीर रु आसुवा भुवनेश्वर को बस टी ब्लू बेलून बस टी दुर्घटनाग्रस्त होता सांगे सांगे त्वरित भाव में बागमारी थाना पुलिस कर्मचारी मैंने स्थानीय लोक मैंने त्वरित भाव में उद्धार करते बस भितर जो 40 जन पाखापाखि जात्री थे से मधु 10 जन आहत होते दुई जन गुरुतर ही भुवनेश्वर को स्थानांतरित होती गोटे डाक्तरी टीम एम स्वास्थ्य अवस्था बुझुच्चर चिकित्सा जारी रही खोर्धा जिला मुख्य चिकित्सालय कि भाव से स्वास्थ्य अवस्था स्थिर हम अनेपटे आउ कि समय अपेक्षा था जो भुवनेश्वर में बस टी पहुंचता पूर्व यह दुर्घटना घटी प्राय 40 किलोमीटर पूर्व किंतु बारंबार यतावन नंबर जितियों राजपथ जो कम चली बारंबार दुर्घटना घटू और विशेषकर सारुओ ठारू बाघमारी पर्यंत यही रास्त विभिन्न समय बस ओलटी जात्री जीवन गत दुई दिन तेल पंचुकोट बोलगढ़ पंचुकोट निकट में तीन जन मृत्यु होता यह भाव में दुर्घटना घटू किंतु क्यों कारण दुर्घटना घटू कौन करनएचआई कर्तृपक्ष कौन प्रकार निघा नहीं विभिन्न समय दुर्घटना घटा पर जात्री जीवन जा धन जीवन हानि होतु एति कि भाव में जीरो कैजुअल हम और दुर्घटना न हो से प्रति ध्यान देवाई समस्त दावी रही धन्यवाद संतोष सविशेष आलोचना परवर्ती खबर को आसिबा पाकिस्तान रे गृह युद्ध स्थिति पूर्वतन प्रधानमंत्री इमरान खान को गुलीमाड़ घटनारे पाकिस्तान रे हईचई पाकिस्तान बड़ बड़ सहर रे आरंभ हो जाइछि प्रतिवाद पीटीआई समर्थक माने राजरास्ता को ओल्हाई विक्षोभ करिछंती लाहौर कराची सह अन्य सहर रे देखिबा को मिलिछि प्रतिवाद रास्तारे पोड़ाजला संघ को जोरदार विक्षोभ प्रदर्शन करिछंती इमरान को गुलीमाड़ को नहीं सारा देश रे उत्तेजना देखा देइछि एवं अशांत होई उठिछि पूरा पाकिस्तान लोके पीटीआई को समर्थन करने गुलीमाड़ घटना को निंदा करिछंती जने नेता जो भली भाव आक्रमण करागला ताहा निंदनीय सरकार अभियुक्त विरोध में कड़ा कार्यानुष्ठान नेबापाई दावी करिछंती पीटीआई समर्थक एथिसह सेना मुख्य कमर जावेद बाजवा विरोध में स्वर तेजीबार लगी घटना पछरे सेना मुख्य और प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ हाथ थिबा अभियोग होईछि दल पक्षर आक्रमण पर शाहबाज शरीफ समेत मंत्री रणा सनाउल्ला और मेजर जनरल फैजल नासिर को दायी कर एथिस आउ केतेक सेना अधिकारी को दायी करिछंती इमरान को समर्थक तांको हत्या करिबा पई प्रधानमंत्री शाहबाज षडयंत्र करथिले एवं एथिरे गृहमंत्री को सहयोग रहितबा इमरान खान अभियोग आनिछंती तबे गुलीमाड़ रे डरि जिबार नाही बरं आगो को लढ़ई को आहुरी जोरदार करिब बोली इमरान कहिछंती protesting against the bullet firing to Imran Khan our leader our guide of the nation guide of Islam he has been fired he has been tortured the fixed bullet has been fired on the container now all the Lahore at different chowk is protesting against this victim against this cruel act today we are here to protest terrorist attack on Imran Khan. We are condemning this attack, and we just want to send our message that he is our red line, and please don't cross that red line. Imran Khan lives in our heart, and Imran Khan is voice of Pakistan now. पाकिस्तान पूर्वतन प्रधानमंत्री इमरान खान को गुलीमाड़ को नहीं अशांत हो उठी सारा देश विभिन्न स्थान में विक्षोभ पोड़ाजला जारी रही बेले गुलीमाड़ घटनार तदंत करुछी पुलिस गुलीमाड़ करथिबा युवकों को अटक रखी पुलिस तदंत करुछी कहीं गुलीमाड़ कले या पछरे क्यों मानक संप्रक्ति अच्छी सब को नहीं खोलताड़ करुछी पुलिस रैली में होता गुलीमाड़ इमरान खान को डाहाण गोड़ में गुली बाजी और चिकित्सा पर लाहौर हॉस्पिटल में भर्ती कर
मामला रुजु पर ईडी तदंत आरंभ एवं खोल ब्लाकमेलर दंपति कला साम्राज्यर गुमर सामना को आसिबो कोटिपति पछर कला कारनामा किभली कोटिपति हेले अर्चना जगबंधु से नहीं रहस्य खोजिबो प्रवर्तन निर्देशालय अर्चना नायक मामलें तनाघना आरंभ कर ईडी नेता मंत्री व्यवसायी छाती हुई धड़धड़ अर्चना और जगबंधु आकाउंट को क्योंठ आसी लक्ष लक्ष टंका क्यों अर्चना को देते बेआईन अर्थ तार खोलताड़ आरंभ कर प्रवर्तन निर्देशालय मात्र पांच वर्ष अर्चना जगबंधु केमिति हेले कोटिपति तार गुमर खोल ईडी अर्चना नायक स्वामी जगबंधु चांद सहयोगी खगेश्वर पात्र और श्रद्धाजलि बेहरा विरुद्ध ईडी मामला रुजु करिबार 24 घंटा परे तनाघना आरंभ कर देइछि ईडीर जणे वरिष्ठ अधिकारी नाम गोपन रखी कहिछन्ति प्रथमे अर्चना और जगबंधुंकर बैंक ट्रांजाक्शन एवं प्रॉपर्टीर समस्त तथ्य मगाजिबो जगबंधुंक आयर उत्स कोन थिला तार जांच कराजिबो कोर्टंक अनुमति नै उभयंकु रिमांडरे अणाजिबो नचेत जेल भितरे चेरा कराजिबो केउ माने ओ काहिंकि अर्चना को टंका देइथिले तार तथ्य हासिल करबाकु चेष्टा करिबो ईडी अर्चना जगबंधु जदि संपर्कित तथ्य दे न पारती तेज से संपत्ति सीज कर दिजिव सेक्शन 17 अनुसार अर्चना घर को जा ईडी तदंत करें आवश्यक पड़े खंडगिरी थाना तदंतकारी अधिकारी पचरा उचरा सूचना मिली मिलता सूचना अनुसार अर्चना एवं जगबंधु को कोर्टर अनुमति पर पचराउचरा कर ईडी उभय को क्यों मैंने आर्थिक अनुकंपा देखा से दिग नहीं जरा करिबो ईडी अधिकारी एपरिकी आवश्यक पड़े कमिश्नर पुलिस तदंतकारी अधिकारी को मध्य पचराउचरा करिबो ईडी जेते धन तीन चार साल रे लोक होछन 30 कोटी 40 कोटी 50 कोटी जहाँ कह एटा को प्रकार से अर्जित करटार सोर्स जानवा पड़ो तो यहाँ ही मेन कार्य ईडी रे रहा कथा कि धर्म धन जे अर्पण कर अर्जित कर तार इनकम टैक्स से कौन रिटर्न से फाइल कर तदंत परिसर रे ईडी तदंत आरंभ करबा पोरि बड़ बड़िया चिंता बढ़िबार लागिलानि सूचना मिली जो माने अर्चना को बेआईन भावे अर्थ देथिबे एवं तार ठोस प्रमाण ईडी हाथ में लगे तेज ईडी से समन करपे आईनजीवी कहते केवल नगद कारबार को बाद दे बैंक जरिया जो नेणदेण हो तार प्रमाण मिल जापे जोथर अर्चना लिंक में प्रभावशाड़ी मुखा खोली जापे बैंक अकाउंट जहाँ ट्रांजाक्शन एटलिस्ट जो क्या तदन पुक्त आसपे न आसपे प्रमाण ईडी को हो कि जनरल पुलिस को मिल पाए न मिल पाए कि जो बैंक ट्रांजाक्शन कौ लोक आपको कत ये कौ लोक केत पाई तार कौटी विनियोग करो जो लोक देखते आपको पैसा कहीं कौन पाई से तदंत परिसरभुक्त आसे से मामल में फसबे और दोषी सब्यस्त हो पारती निकट भविष्य एवं प्रश्न उठू ईडी आगे अर्चना और जगबंधु से लिंक में थी नेता मंत्री और प्रभावशा व्यक्ति ना खुलासा करे कि नहीं जदि अर्चना ईडी को तदंतर सहयोग न करती तेज नेता मंत्री लिंक चपिजी कि कटकु नवेश महांती और भुवनेश्वर कैमेरामैन चितन स्वाई दीपक सामल न्यूज 18 ओडिया हाथी आक्रमण में फॉरेस्ट गार्ड मृत अनुगुल बनांचल खुलाड़ गांव में आतंक एक 25 टिकिया हाथी पल गांव में आतंक खेल खबर पाई वन विभाग गोटे टीम हाथी घोड़ाइवा कुलाड़ा जाता समय गोटे हाथी वन विभाग कर्मचारी को गोड़ाई हाथी आक्रमण में फॉरेस्ट गार्ड शरत घड़ई मृत्यु मृतकों पर जनक निजुक्ति 20 लक्ष टा अनुकंपामूलक सहायता राशि प्रदान दावी में डाक्तरखाना आगे धारणा देते पर लोके झारसुगुड़ अभावनीय घटना दुई भाई को हाथी दली देला बापा मां गुरुतर झारसुगुड़ा बागटी रेंज भौरा गां निकट में दली देती हाथी इटाभाटी काम करने को आसी पॉलीथिन तले रहुथिले राति रे पॉलीथिन तले सोइथिबा बेले हाथी समान को दली मारी देती दुई पिला उद्धार उद्यम करी बापा मां भी आक्रमण शिकार हो गुरुतर अवस्था झारसुगुड़ा मेडिकल भर्ती होती इटाभाटी काम पर छत्तीसगढ़ दुई दिन तले मैंने आसते तीन पिला नहीं आसी जड़े सुरक्षित थिबा सूचना मिलू दुई भाई को हाथी दली देती और दुई जन मृत्यु होइतिबार खबर आसी इटाभाटी काम करने छत्तीसगढ़ इमाने दुई दिन तले आसते गोटे परिवार जो थी तीन पिला थिले बापा मां थिले
भितरु जणकर अवस्था भल अछि जणे सुरक्षित थिबा सूचना मिलुछि एवं बापा मां को अवस्था मध्य गुरुतर अछि ताकु चिकित्सा करा जाउछि। तबे इटा भाटी रे काम करबा को आसी पॉलिथिन तळे जेतबेले सोइथिले राति रे हठात हाथी समानन को दळी देइथिला एवं दुई भाईंकर मृत्यु होई सारिछि। बापा मां झारसुगुडा मेडिकल रे चिकित्सित होउछन्ति। अन्य जणे पिलार अवस्था वर्तमान भल अछि सुरक्षित अछि पिलाटी किंतु बापा मां गुरुतर अछन्ति दुई भाईंकर मृत्यु होई सारिछि। झारसुगुडा बागढ़ी रेंज भौरा गाँ निकट में घटी घटना एने की अधिक आलोचना करने आम प्रतिनिधि जितेन्द्र अच्छा समस्त फोन लाइन में। जितेन्द्र पूरा घटना कौन एवं वर्तमान बापा माँ का अवस्था केमती अच्छी? विलंबित राति रे हाथी आक्रमण रे दुई नाबालक मृत समान को हाथी दौड़ी दी मृत दु जन आपणकर धनंजय सतनामी एवं अभय सतनामी दु जन जाक समस्ते हाँ इटा भूतरे काम करने किरमीरा ब्लक जो बागडी रेंज अच्छी बागडी रेंज रहरा ग्राम इटा इटा भाटे काम करने आसते पॉलीथिन तले शोले से समय हाथी हाथी आसी से दड़ी देता बहुत चेष्टा करते बापा मा छुआ दुटी को बचाई किंतु बचे पार ना से ही हाथी आक्रमण में बापा मा मध्य गुरुतर होती से दिज को जिला मुख्य चिकित्सा भर्ती कर चिकित्सित होता निहाती ए गोटे अभावन घटना गोटे परिवार प्रति गोटे बड़ विपद निहाती भाव में। धन्यवाद जितेन्द्र सविशेष आलोचना। खोर्धार क्रसर शिल्प उपर जिला प्रशासन रोक लगाइबा परे हजार हजार श्रमिकों जीवन जीविका उपर यार प्रभाव पड़ी। क्रसर शिल्प को पुनः अनुमति देवाक दावी होई। जिलापालों कार्यालय सम्मुखें क्रसर मालिक माने विक्षोभ प्रदर्शन करने दावीपत्र प्रदान करिछंती। यार प्रभाव में हाइवा ट्रक मालिक मान यार प्रभाव पड़ी से गाड़ी किस्ती परिशोध करना ट्रक मालिक संघ अभियोग कर। क्रसर बंद होगापर ट्रक मालिक माने बाली व्यवसाय करुछंती। पाखरे अनुमति वाई फर्म थी मध्य विभिन्न आल देखाई से जोरिमाना करा जाउछि। एने से राज्य सरकार को दावीपत्र प्रदान करिछंती। सतैशी क्रसर को सेटिंग क्राइटेरिया मिलला और पल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रे पूर्व पाई सेटिंग क्राइटेरिया 193 क्रसर प्राय 141 क्रसर को कनसेंट टू ऑपरेट मार्च 31 पर्यंत मिलला कि हठात पथर र मटेरियल अभाव होला। माननीय जिलापाल बंद कले जेहेतु मोर तुम परमिशन ना ब्लास्टिंग परमिशन ना मुझे पहाड़ गुड़िक चल जा। जिलापाल आमको यह प्रतिश्रुति देते आपण मानक कागजपत ठीक थी मुझे अतिशीघ्र से गुड़िक परमिशन देवी एवं ब्लास्टिंग लाइसेंस जो बंद हो मुँ सब डिपार्टमेंट को कही यथाशीघ्र आनिक आपर दाबी पूरण करेंगे। आम दाबी करूँ जे वर्तमान आमर जो डाला लेवल माल नहीं जापे कौन सी आरटीओ आर आई तहसीलदार कौन सी रोकटोक न करूँ आउ जदि आम पेपर वर्क किसी प्रोब्लेम अच्छी गाड़ी तापर जो एक्शन टा गवर्नमेंट ना से आम राजी अच्छे सी जहाँ भी कार्यानुषान करें साथ दबू आम आसोसीएसन तार साथ आशा करूँ जहाँ जहाँ समस्या थी आम सरकार माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को कही मंत्री पाखे पहुँचे ये सब लोक मान जो समस्या रही से समस्या केमी समाधान हाँ विधिवत व्यवस्था कर। श्रीमंदिर में पंचक नीति पांच दिन में पांचटी बेश में भक्तों दर्शन देवे महाप्रभु। आज हरि उत्थापन एकादशी तिथि लक्ष्मीनारायण बेश में भक्तों दर्शन देउछंती महाप्रभु। अवकाश नीति पर स्वर्ण आभूषण में विभूषित हो लक्ष्मीनारायण अर्थात ठियाकिया बेश में दर्शन देउछंती श्रीजू। स्वर्ण अलंकार पुष्पमाल्य पाटवस्त्र इत्यादि पुष्पाक सेवक मैंने तीन ठाकुर को लक्ष्मीनारायण बेश में भूषित कर। श्रीजीव बेश देखा कार्तिक व्रतपी श्रीमंदिर में हजार हजार भक्तों समागम होती। श्रीक्षेत्र में पूरा आध्यात्मिक परिवेश रही।
ଏବଂ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ତିନି ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ପଞ୍ଚକରେ ଗହଳିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମରିଚକୋଟ ଛକ ନିକଟରୁ ଲମ୍ବା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ରେ ସରକାରୀ ଶିବିରରେ ରହୁଥିବା ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସହାୟତା ପାଇଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ନିୟୋଜିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେବଳ ପଞ୍ଚକ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ 30 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କୃପାରୁ ମୋର ସବୁକିଛି ଅଛି। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ସାର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜି ପଞ୍ଚୁକ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମାନେ ଅଁଳା ନବମୀ ଠୁ ଆମେ ନଡ଼ିଆ ରଖିଦେଉ, ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ବସଉ, ବସେଇକି ଆକୁ ପୂଜା କରିବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ରାଇ ଦାମୋଦର ଗଲେ ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ବ୍ରତ ବଗ ବଗୋଲି ପୂଜା କରୁ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ବାବା, ସେଠୁ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କ ମହିମାରେ ଖାଇବା ନ ଖାଇବା କିଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନି ବାପା, ସବୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଏ ପଞ୍ଚକ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଆଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ, ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ, ଏଇ ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଡ଼ିତ ବେଶ ହୁଅନ୍ତି। ସବୁ ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିକିରି ମନ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏଇ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରିବ ବର୍ଷ ସାରାର ପୁଣ୍ୟ ସେ ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା। ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ନାହିଁ ଡାଟିବ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ପରମାଣୁ ସଂସ୍ଥା ଆଇଏଇଏର ନିରୀକ୍ଷକମାନେ ଏନେଇକି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇଦିନ ଧରି ଯାଞ୍ଚ ଶେଷ କରିବା ପରେ ଏମାନେ କହିଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଡାଟିବମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରମାଣ ମିଳିନି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଡାଟିବମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ରୁଷିଆ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ରୁଷିଆ। ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁତିନ୍ଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଏହାପରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସରକାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଏଜେନ୍ସି ଆଇଏଇଏକୁ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଲାଗି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ଆଇଏଇର ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯାଞ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେ ଅଘୋଷିତ ପରମାଣୁ ଗତିବିଧି ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂକେତ ମିଳିନାହିଁ। ଏହି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ତିନିଟି ସ୍ଥାନରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ଥିବା ରୁଷିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ବ୍ରିଟେନ୍କୁ ରୁଷିଆର କଡ଼ା ଚେତାବନୀ, ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲେ ଏହାର ଗୁରୁତର ପରିଣାମ ଭୋଗିବ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ କ୍ରିମିଆରେ ରୁଷିଆର ବ୍ଲାକ୍ ସି ଫ୍ଲିଟ୍ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଲାଗି ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛି ରୁଷିଆ। ଏଥିଲାଗି ବ୍ରିଟେନ୍ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଛି ବୋଲି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ବି ଆଣିଛି। ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ବ୍ରିଟେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ସମନ କରିଛି ରୁଷିଆ। ରୁଷିଆ କହିଛି ବ୍ରିଟେନ୍ର ଏ ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କେବଳ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦକୁ ଅଧିକ ବଢ଼ାଇବ, ଯାହା ଅଭାବନୀୟ ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଣାମ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ମସ୍କୋ କହିଛି ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବ୍ରିଟେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଦେବୋରା ବ୍ରିନେଟ୍ଙ୍କୁ କଡ଼ା ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି। ରୁଷିଆ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ସମୁଦ୍ରରେ ଘାତକ ଆକ୍ରମଣ ଲାଗି ୟୁକ୍ରେନୀୟ ସ୍ପେଶାଲ ଫୋର୍ସକୁ ତାଲିମ ଦେଉଛି ବ୍ରିଟେନ୍। ସେବାସ୍ଟପୁଲ ବନ୍ଦରରେ ରୁଷିଆ ଜାହାଜ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ଲାଗି ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେନାକୁ ବ୍ରିଟେନ୍ ତାଲିମ ଦେଇଥିବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ରୁଷିଆ। ଖେଳ ଖବରକୁ ଆସିବା। ଆଜି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପୁଣି ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମୁକାବିଲା। ଚଳିତ ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣରେ ହେବ ଟକ୍କର। ଗତ ସପ୍ତାହରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ହକି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ 4-3 ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସ୍ପେନ୍ ନିକଟରୁ 3-4 ହାରି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ରିଭର୍ସ ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦୋହରାଇବାକୁ ଆଶା ରଖିଛି। ଭାରତକୁ ପ୍ରତିଟି କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗ୍ରାହମ୍ ରିଡ୍। ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଅଦ୍ୟାବଧି ପରସ୍ପର ସହ 43 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଭାରତ 23 ଜିତିଥିବା ବେଳେ 15 ହାରିଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ 5 ମୁକାବିଲା ଅମୀମାଂସିତ ରହିଛି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଘରୋଇ ପରିବେଶରେ ବିଶେଷ କରି ଦର୍ଶକ ଭରା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଫାଇଦା ଭାରତକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି।
बालीयात्रारे एथर जोड़ी हेबो युद्ध इतिहास कहानी भारतीय नौसेना रो पराकाष्ठा एवं ता सहित नौसेना जहाज और नौसेना बैंड प्रदर्शित हेबो बालीयात्रारे एथिपई आईएनएस चिलिकार नौसेना अधिकारी माने बालीयात्रा पड़िया और महानदी बुली देखिबा सह योजना संपर्क में जिलापालक सह आलोचना करिसेंति अन्यपटे मेला भितर सृष्टि हेबो आध्यात्मिक परिवेश हेबो संत सम्मेलनी सत्संग यज्ञानुष्ठान सह शुभिव वेद मंत्रर ध्वनि बालीयात्रा रे जोड़ी हेबो युद्ध इतिहास कहानी देखा मिली नौसेनार झलक नौवाणिज्य परंपरा को पाथेय करी बालीयात्रा रे सामिल हेबो आईएनएस चिलिका 8 तारीख उद्घाटनी उत्सव रे प्रथमे नौसेना ब्यांड प्रदर्शित हेबो एहा सह महानदी जलराशि कला कौशल देखाइब नौसेना महानदी रे रहिब नौसेनार जहाज एही जहाज भितरे बुली पारिबे लोके स्वतंत्र कियोस्क जरिया प्रदर्शित हेब नौसेना वीरत्वर गाथा एथिपई आईएनएस चिलिकार अधिकारी माने बालीयात्रा पड़िया सह महानदी बुली देखिछंति कटक जिलापालंक सह बैठक रे करिछंति आलोचना आईएनएस चिलिका को आमे कांटेक्ट करितलु कारण आमर जो मैरिटाइम ट्रेडिशन वर्तमान से माने ताकु प्रेजेंट करुछंति एवं से माने मध्य आम सहित एसोसिएटेड होउछंति से माने तांकर रो कला कौशल महानदीर जलरे प्रदर्शन करिवे 8 तारिख थारु से माने आसी आम पाखरे रहिवे एवं प्रदर्शन करिवे चलित वर्ष बालीयात्रा हेबो संपूर्ण नियारा लक्षाधिक लोकंक जनसमागम व्यवसाय आमोद प्रमोद खानापिना भितर भी आध्यात्मिकता को गुरुत्व दिया जाइछि चैतन्य महाप्रभुंक रात्रि जापन करथिबा गडगडिया घाटरे साधुसंतंक समागम हेबो लक्षाधिक लोकंक कोलाहल भितरे शुभिव ओंकार ध्वनि दिनरे हेबो यज्ञ एवं संध्यारे महानदी आरती एथिपई छतिया उदास आश्रमर सेवकमाने ऋषि कुटीर ध्यान मंदिर यज्ञ स्थल निर्माण करुछन्ति जहाँ भक्तिमय परिवेश सृष्टि करिव एठी गोटे ऋषि कोटीर संत कोटीर निर्माण करा जिवे यज्ञस्थल निर्माण करा जिवे ध्यान मंदिर निर्माण करा जिवे एथिसहित प्रत्येह महानदी में महाआलती संत सम्मेलनी यज्ञ सत्संग आयोजन करा जिवे लोक शीश रोड रु आसिबे केवल सत्संग केन्द्र में पहुँचे दर्शन करिवे नदी पूजा दर्शन करिवे प्रसाद सेवा करिवे जिवे बालीयात्रा एथर स्थायी वैष्णव पाणी मंच सह अक्षय महांती मंच रे प्रदर्शित हेबो सांस्कृतिक कार्यक्रम जेउंठी देखिबा को मिलिबो ओडिसार सुनामधन्य कलाकारंक सहित बॉलीवुड कलाकारंक जलवा कटक रु दिवेंदु मिश्र न्यूज 18 ओडिया भक्तों को वर्चुअल माध्यम रे दर्शन देउछंती बाबा धवलेश्वर धवलेश्वर मंदिर को जीवा पई थिबा मुख्य प्रवेश पथ निकट रे गोटे बड़ एलईडी स्क्रीन रो व्यवस्था करिछि प्रशासन धवलेश्वर आसुथिबा श्रद्धालु एवं कार्तिक व्रतधारी माने मुख्य रास्ता कडरे धवलेश्वरक फाटक पाखरे परदारे बाबा को दर्शन करुछंती सेपटे आज थारु पंचुक आरंभ होथिबारु श्रद्धालु मानक भिड़ को आख्या कर रखि पुलिस प्रशासन पक्षरु व्यापक सुरक्षा व्यवस्था करा गेलछि धवलेश्वर पीठ से 144 धारा लगी अंपटे जिला प्रशासन श्रद्धालु मानक बारण कर पुलिस पक्ष 10 प्लाटून पुलिस 6 जन डीएसपी नियोजित होती मुख्य प्रवेश पथर जेहेतु एलईडी लगी भक्त माने मंदिर भितर प्रत्येक दृश्य को देखिपारे महाप्रभु जो पूजा चली नीतिकांति चली स्वचक्षु दर्शन करदारे दर्शन देखते बाबा धवलेश्वर भोगपाई मध्य विशेष व्यवस्था करा जाइछि कोनोसी दुकान जहाँ झूलापोल निकट रे अछि ता खोलिबो नाही जहाँ पूर्वरु प्रशासन निर्देश रहितिला धवलेश्वर पीठ रे लागिछि 144 धारा एवं झूलापोल विपद को नजर रखी झूलापोल स्थिति को नजर रखी जिला प्रशासन पूर्वरु 144 धारा जारी करथिला एवं वर्तमान ताकू से नहीं कि जमी कौन प्रकार भक्त मैंने धवलेश्वर दर्शन रु वंचित न हमें तापाई स्वतंत्र एलईडी स्क्रीन व्यवस्था करमें भक्त मैंने धवलेश्वर दर्शन करुँचे अधिक आलोचना करवा स्पेशल करेस्पंडेंट नवेश कुमार महांती अच्छे समस्त फोन लाइन में नवेश जो व्यवस्था करने कथा कहला वर्तमान दर्शन पर तो व्यवस्था करूँ भोग और बाकी रहा मेलापाई से सब नहीं कौन व्यवस्था प्रशासन तरफ मोटामोटी जब स्थिति कथा कहवा बंदिता तेज भक्तों पर भक्त को निमंत्रण करा जाए सत प्रशासन पक्षर किंतु
से भली भीड़ देखा मिलना बा जनशून्यता ना धवलेश्वर पीठ आम कही पार किंतु जो भीड़ अनुमान करा आशा करा से भीड़ ना कारण बाबा का दर्शन लोक करचुआल मोड में दर्शन होगा पुणी झूला पोल पर्यंत जापर लोक तो मेला स्थान को भी लोक जापारे लोक जो रही धवलेश्वर जो मुख्य प्रवेश पथ रही से प्रवेश पथ पाखे गोटे एलईडी लगी से दर्शन करेंगे अर्थात गाड़ी जदि किए दर्शन करने को जाते तेज से गाड़ी पार्किंग में निजर गाड़ी पार्क गाड़ी को पार्क करेंगे और सीधा सड़क चलिकी पाखापाखि 200-300 मीटर आसे से फाटक पर्यंत से टीवी स्क्रीन में एलईडी दर्शन करेंगे भोग रागर व्यवस्था अच्छी सदा कितु स्वच्छीर जेहेतु देखा मिलूना बोध हुए से श्रद्धा मान भक्त मान आगमन बहुत कमी कमी आम यही सेन्स कौ जो पाद पकवाई जगह नाता बर्तमान से दर्शक श्रद्धा शून्य एक प्रकार हो जाए पुलिस पक्षर व्यापक बंदोबस्त करेहेतु 144 लागू करमी कौन जड़े भी व्यक्ति झूला पोल निकट को जो 144 जारी होता मेला स्थान को अर्थात झूला पोल निकटवर्ती अंचल को न जापे से मैं विशेष दृष्टि दी जा सेत संख्यार लोक आसिले लोक न आसवर आउ गोटे कारण रही बंदिता जेहेतु वर्चुआल मोड में सीधा प्रसारण हो यूट्यूब माध्यम चली लोक घरे बसिक निज कंप्यूटर मोबाइल बा टीवी रे सीधा प्रसारण बाबा देखिपारे तेणु से लोक बोधे आसवाक इच्छा प्रकाश करना कितु देखा पड़ो बड़ ओसा दिन बड़ ओसा समय स्थिति जारी रोच कि लोके बड़ ओसा कथा कहे गजभोग प्रति समस्त आग्रह रही है भक्त एवं सही समय रे कौन केमिति भक्त मानंकु भोग मिली पारिबो सेनी व्यवस्था किछ करा जाउछि देखु प्रशासन पक्षर प्रस्ताव दे दैथला जे जो सदर मान आसीबे सेमानकर जो रहिछन्ति पूजक माने सेमानकु सेमाने अंक जरिया रे हि गजभोग मिलिबो किंतु पूजक माने वर्चुअल माध्यम रे जो रहिछि बाबाकर पूजा अर्चना ताकु विरोध करथिले एवं जहापति कि प्रशासन एवं पूजक समाज भितर गोटे विवाद सृष्टि होता से बदर समाधान एवं होता कितु बास्तविक बड़ोसा दिन कौन रिति से नहीं कि आउ गोटे बैठक मैं बस जदि बैठक निष्पत्ति निगला बड़ोसा दिन भी 144 जारी 144 जारी रही है तेणु श्रद्धा मैंने आसीपारे ना मेला स्थान को तेणु हुए तो गजभोग पाइबारे लोक मैंने समस्या सम्मुखीन हो पारती कि मोटामोटी स्थित आउ दुई दिन पर जनापड़ बोले आम नवेश जिते बेले आम 144 धारा कथा कहे बर्तमान भक्त गहली ना झूला पोल को कहीं जाऊना ए जो सिचुएशन रे ए जो स्थिति रे झूला पोल मरामती करा जाई पारि थांता से नहीं कि जिला प्रशासन किसी कही कि देखो झूला पोल मरामती गोटे एमती प्रश्न रही जो प्रश्न उत्तर देवा पई जिला प्रशासन सब कुंठाबोध करुची कारण जदि आम जो सूत्र जरिया मिलता खबर कथा कह तेरे झूला पोल मरामती संभव ही नुहे संपूर्ण रिप्लेस पाखापाखि 10 कोटी बजेट एने सांसन होता कहु कि जिला प्रशासन एने किसी उत्तर देवा मना करोटी टकर होता झूला पोल 2016 वर्ष तेज 2006 रिप्लेस करा पड़ो तेणु मरामती तो सुजोग ही ना रिप्लेसिंग तेणु रिप्लेस करने जो अर्थ दरकार से अर्थ राज्य सरकार कौ हेड्रु दे के खर्च हम तापर्यंत स्पष्ट नु झूला पोल स्थित एवं भी खराब रही 144 भविष्य में भी जारी रही है बिल्कुल धन्यवाद नवेश सविशेष आलोचना बर्तमान झूला पोल जेहेतु 144 धारा जारी करा नजर रखी परदारे धवलेश्वर को दर्शन करुंच श्रद्धा और भोग छड़ा मेलापाई आउ गोटे बैठक करते कि सठिक निष्कर्ष सामना को आसो कौन से नहीं कि पदक्षेप निपर से नहीं जिला प्रशासन हूं तो अधिक सूचना देपे दुई 2016 काम है एजाए सरुनी धूली अणनिश्वासी जटनी सहर बढ़ुची ट्राफिक समस्या जटनी फ्लाईओवर निर्माण में विलंब को नहीं तेजुची असंतोष सीताराम छक जटनी नागरिक कमिटी ट्रस्ट पक्ष दुईदिनिया रिले अनशन करपटे पूर्वतन और वर्तमान विधायकों मध्य आरंभ हो राजनैतिक बयानबाजी नाही नथिबा असुविधा भोगुचंती लोके जटनी सहर बासिंदा प्रश्न केबे सरीब फ्लाईओवर काम केबे मिलिब जंत्रणारु मुक्ति 2016 रु आरंभ होइतिला जटनी फ्लाईओवर निर्माण काम रे सरीबार ना धरुनी खोर्धारु पिपिल को संजोग करथुबा ए एकमात्र रास्ता रे गला बेले बहु असुविधार सम्मुखीन होउचंती जटनीवासी यार प्रतिवाद रे ब्रिज तले रिले अनशन चलाइछि जटनी नागरिक कमिटी ट्रस्ट
ब्रिज रो समस्या बहुत आज्ञा ब्रिज देखु ब्रिज हेला दिन ठू लोक भाई गोटे स्वप्न साकार हे कि ब्रिज हो पारानी 2016 फेब्रुवरी मस 17 तारिखर भांगी बर्तमान 2022 है तार किसी कम अधा परसेंट हो पारे अल्प मंदे पा वर्षा हो गले अध घंटे वर्षा हो गले तल जाम हो विगत दिन में देखि बस बुड़ जा मो बस खाली आम अनशन डाक दीदी किसी नेता बुले आस बुझीपा क्या कौन कर रेलवे भागटा जेहतु सेंट्राल गवर्नमेंट से आमको कौन प्रकार साहयोग करूनी तथापि माननीय मुख्यमंत्री की धन्यवाद देवी तक भागटा से कराया कथा रेलवे भागटा तथापि माननीय मुख्यमंत्री आम ओडिशा राजकोष रु पैसा देखते कम करने किंतु तथापि से मुख्यमंत्री मनोभाव रखी सेपटे जटणी फ्लाईओवर को नहीं आरंभ हो राजनैतिक बयानबाजी मुआमुई होती पूर्वतन एवं वर्तमान विधायक विधायक सुरेश राउतराय कहते कि लोक उद्देश्यमूलक भाव केस करी ब्रिज निर्माण में बाधा सृष्टि करपटे जिला बीजेडी सभापति तथा जटणीर पूर्वतन विधायक विभूतिभूषण बलवंतराय कहते कि लोक निजर राजनैतिक और व्यक्तिगत स्वार्थ साधन आंदोलन कर जदि डिसेम्बर 25 रे इनाग्रेसन न हुए ता पूर्व तुम केस उग्र न कर बाध्य आईन की जनसाधारण नबू जटणी सम्मान जटणी मान पाई लोक मानी जनसाधारण चूड़ांत निष्पत्ति माननीय मुख्यमंत्री बारंबार केन्द्र को चिठी लिखा पर केन्द्र सरकार गोटे निर्देश दे जदि राज्य सरकार समस्त खर्च परिवहन करेंगे बहन करेंगे तो आम परमिशन देव राज्य सरकार राजी हेले समस्त खर्च बहन करने प्राय 18 लाख टंका मो समय डिपोजिट कली डिजाइन रेलवे प्रस्तुत करने ना आम तो 18 लाख टंका जो थे भूमिका किसी ना जटणी फ्लाईओवर ब्रिज पर अनेक जीवन गला निकट में अंडरपास मो बस बुड़ा घटना सामना को आसीला एत सब पर भी चेतुना रेलवाई कर्तृपक्ष सेपटे ब्रिज किए उद्घाटन करताक नहीं भी चली राजनीति खोर्धारु संतोष बारिक न्यूज 18 ओडिया।